इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं लहरेर टेक। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जैसे बताया कि प्रॉपर ऑलमोस्ट कई लोगों को मैंने ये देखा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में और आपने रिचार्ज नहीं कराया तो क्या हुआ, आपका उस पर कॉल लगा नहीं, ओटीपी गया नहीं, तो आपने लगा कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और सीधा आप सब सुविधा सेंटर पहुंच जाते हैं मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि आखिर आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो मोबाइल है, नंबर है मोबाइल नंबर, वो कौन सा रजिस्टर्ड है आपके आधार कार्ड में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैं जो है आ गया हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे। ठीक है, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल का जो है डेस्कटॉप वर्जन ओपन कर लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे यू। ये ऑटोमेटिकली आएंगे, हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं uidai.gov.in। ठीक है, ये हमारा ओपन होगा, उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, आप प्रॉपर वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी समझ आएगा आपको। ठीक है, फाइनली ओपन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे आएंगे आधार सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा आधार सर्विस। उसके बाद यहाँ सर्च करिएगा वेरीफाई मेल और मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करिएगा। अब जैसे ये ओपन हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई मेल एड्रेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें नीचे इंटर आधार नंबर डालना है। यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने डाल दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यही मोबाइल नंबर है जो इसमें लिंक है या कोई और है, तो हमें सिंपली इस पे जाना है, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। ठीक है, कैप्चा फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है आपको। क्या करना है, सेंड ओटीपी। देखिए लिखा है द मोबाइल नंबर यू हैव इंटर डज नॉट मैच विथ आवर रिकॉर्ड, मतलब ये मोबाइल नंबर आपके इससे रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको कि अगर होता है रिकॉर्ड में, जैसे इस नंबर रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब ये इससे अटैच नहीं है, अब ओटीपी सेंड करते हैं। अब देखिए द नंबर मोबाइल नंबर हैव बीन इंटर इन ऑलरेडी वेरीफाइड विथ योर रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें दिखा दिया कि ये जो मोबाइल नंबर है यही इस आधार नंबर में ऐड है। ठीक है, इसी मोबाइल नंबर से वेरीफाई हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा लिंक हुआ पड़ा है। नॉर्मल सा थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा मतलब है इसमें कुछ ज़्यादा 30 मार्क वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा। गलत मोबाइल नंबर रहेगा, ओटीपी डाल के यहाँ पे सेंड ओटीपी करिएगा, ऑटोमेटिकली बता देगा यहाँ पे कि नहीं ये मोबाइल नंबर नहीं है, और जैसे और जो नंबर है वो डालिएगा यहाँ पे और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करिएगा आपको तुरंत बता देगा कि नहीं यही आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।